नमस्ते विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन चर्चा की। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि जो हमारा डीएनए है वह जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है, अर्थात आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य डीएनए के द्वारा ही किया जाता है। ये हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहा जाता है या ग्रिफिथ इफेक्ट भी उसको कहा जाता है, उस एक्सपेरिमेंट के बिहाव पे हमने सबसे पहले ये प्रूव किया था कि हमारा जो डीएनए है वह जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे इस वीडियो में कि जो हमारा डीएनए है वह जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। तो और भी कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए, प्रोटीन या अन्य कोई पदार्थ जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य नहीं करता है। पहले ये माना जाता था कि हमारा सेल जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करती है, फिर सेल के बाद न्यूक्लियस पे आए, न्यूक्लियस के बाद क्रोमोसोम पे आए, क्रोमोसोम के बाद अब ये एस्टेब्लिश हो गया है कि केवल और केवल हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। और यदि कहीं पर डीएनए अब्सेंट होता है तो उस अवस्था में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। तो ये आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आपके स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं वह है हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट। इसे हम ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं और बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन भी इसको कहा जाता है। ये 1952 में हर्शे और चेज नामक वैज्ञानिकों ने इसको परफॉर्म करके ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि हमारा जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है वो किस तरीके की उसकी संरचना होती है। उसकी आप फैमिलियर इसकी संरचना से पीछे की क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि इसकी स्ट्रक्चर में एक हेड होता है, एक कॉलर होती है और एक टेल होती है। हेड के अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए होता है और यह चारों ओर से प्रोटीन के द्वारा घिरा रहता है, यानी इसका प्रोटीन का जो आवरण है वो चारों ओर होता है और बीच में हेड में इसके डीएनए होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें ये हेड, फिर कॉलर और ये टेल, ये तीन पार्ट इसके अंदर होते हैं। तो ये तीन पार्ट इसकी स्ट्रक्चर होती है। हर्शे और चेज ने क्या किया था कि इन्होंने इस बैक्टीरियोफेज को दो अलग अलग माध्यम में वृद्धि करवाई, दो अलग अलग माध्यम में इसको ग्रो करवाया। पहला माध्यम जिसके अंदर सल्फर आइसोटोप था यानी S35, और दूसरा माध्यम ऐसा था जिसके अंदर फॉस्फोरस आइसोटोप था यानी P32। इन दो माध्यम में इन्होंने इसको ग्रो करवाया। अब इनको अलग अलग ग्रो करवाने में क्या फायदा होगा कि पहले माध्यम में जिसमें सल्फर आइसोटोप था उस माध्यम में ग्रो करने से इसका पूरा का पूरा प्रोटीन पार्ट जो है वो रेडियोएक्टिव से मार्क्ड हो जाता है क्योंकि सल्फर प्रोटीन में पाई जाती है, और दूसरे माध्यम में जिसमें फास्फोरस रेडियोएक्टिव था, फास्फोरस आइसोटोप था, उसमें ग्रो करवाने से इसका डीएनए मार्क्ड हो जाता है क्योंकि फास्फोरस जो है वो डीएनए में पाया जाता है। तो ये दो अलग अलग माध्यम में इन्होंने ग्रो करवाया जिसमें रेडियो एक्टिविटी थी, और उसके बाद इन बैक्टीरियोफेज को लेकर इन्होंने बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कौन सा लेते हैं हम, मोस्टली ई कोलाई, एस्टेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया लिया जाता है, और उस बैक्टीरिया को इसने इन्होंने संक्रमण करवाया। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दो एक्सपेरिमेंट, जो पहला है जिसमें सल्फर रेडियो एक्टिविटी पाई गई और दूसरा है उसमें फॉस्फोरस की रेडियोएक्टिविटी पाई गई। जो रेड कलर से यहाँ पे शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे उसमें सल्फर रेडियोएक्टिविटी है, और जिसमें ग्रीन कलर आपको शो हो रहा है उसमें फॉस्फोरस की रेडियोएक्टिविटी है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करवाया, तीन स्टेप में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया, इन्फेक्शन करवाया, ब्लेंडिंग करवाई और सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। अब इसको ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट इसलिए कहते हैं कि ब्लेंडर मिक्सर होता है, उसके द्वारा इसमें मिक्स कर देते हैं, इसलिए इसको ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने वो बैक्टीरियोफेज लिए जिसमें सल्फर रेडियोएक्टिविटी या सल्फर आइसोटोप थे, उनको लेकर इन्फेक्शन करवाया,
और ब्लेंडिंग की, उसके बाद जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो जो रेडियो एक्टिविटी है वह केवल और केवल किसमें शो होती है, बाह्य वातावरण में शो होती है, यानी कोशिका के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर किसी भी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी शो नहीं होती है, क्योंकि जब ये इन्फेक्शन करता है तो यह बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में केवल अपना डीएनए इंसर्ट करता है और कोई भी पार्ट बैक्टीरियल सेल में नहीं जाता है। तो इसने बैक्टीरियल सेल में अपना डीएनए इंसर्ट किया, प्रोटीन कोट जो है बाहर रह गया। तो बाहर रहने पे जब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो रेडियो एक्टिविटी केवल और केवल बाह्य वातावरण में शो हो रही थी, बैक्टीरियल सेल में किसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही थी। ऐसा ही इसने दूसरा जो एक्सपेरिमेंट करवाया जिसमें फॉस्फोरस रेडियो एक्टिविटी थी, फॉस्फोरस आपको पता है डीएनए में होता है, तो डीएनए यानी मार्क्ड था, वो इंसर्ट करवाया, डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वो बैक्टीरियल सेल में प्रवेश किया और ये ग्रीन कलर का यहाँ पर डीएनए एंटर कर गया। अब जब इसमें ब्लेंडिंग करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो केवल और केवल बैक्टीरियल सेल में शो होती है, आउटर मीडियम में शो नहीं होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के भ्याप पे ये प्रूव हुआ कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वह डीएनए ही होता है, अन्य कोई मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम नहीं करता है। यही एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोबारा परफॉर्म किया गया है उसी को, कि पहला जो पर्पल कलर या रेड कलर में है वो इन्फेक्शन, इसमें सल्फर रेडियो एक्टिविटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट हो रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है, डीएनए अंदर चला जाता है। जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो रेडियो एक्टिविटी है वह केवल सुपरनेटेंट यानी ऊपर का जो मटेरियल है, जो आउटर सेल फ्री मटेरियल है, उसके अंदर ही रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है, सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही है। दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें फॉस्फरस रेडियो एक्टिविटी पाई गई थी वो जब इन्होंने परफॉर्म करवाया तो डीएनए इंसर्ट कर गया, यानी जो रेडियो एक्टिविटी है वो सेल के अंदर चली गई। और अब इसका जब सेंट्रीफिकेशन करवाया तो रेडियो एक्टिविटी किस में शो हो रही है, जो सेल वाला पार्ट है यानी पैलेट्स, उनको पैलेट्स कहा जाता है जब सेंट्रीफिकेशन करवाता है, जो भारी रूप है वो नीचे है, तो रेडियो एक्टिविटी यहाँ ब्लू कलर में शो हो रही है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारी जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए ही काम करता है। एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, इसमें आप सभी को पता है कि कॉन्जुगेशन में क्या होता है, दो बैक्टीरिया आपस में पास में आते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब से जुड़ जाते हैं और डोनर का, जिसे हम एफ प्लस कहते हैं, रिसेप्ट ग्राही जिसे हम एफ माइनस इंडिकेट करते हैं, डोनर से और रिसेप्टर के पास एफ फैक्टर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस है। ये लेडरबर्ग और टोटम ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। इन्होंने क्या बताया कि एक बैक्टीरिया जो एफ पॉजिटिव, जिसको हम कह रहे हैं डोनर कह रहे हैं, वह किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट होता है और जो ग्राही है वह रेजिस्टेंट नहीं होता है। फिर इनको जब कॉन्जुगेशन करवाया, संयुग्मन करवाया, तो कॉन्जुगेशन संयुग्मन के पश्चात जो ग्राही था वह बैक्टीरिया भी उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो गया। तो ये प्रूव करता है, क्योंकि जब कॉन्जुगेशन होता है तो केवल डोनर से ग्राही के ओर केवल और केवल डीएनए ही ट्रांसफर होता है। जो हम एफ फैक्टर कह रहे हैं वह डीएनए ही है, वो डीएनए ही ट्रांसफर होता है। तो डीएनए ट्रांसफर होने के पश्चात वह ग्राही कोशिका अब उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो गई। तो ये अगेन यहाँ पे प्रूव करता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वह डीएनए ही होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट और है, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन वही जो बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन होता है, उसमें बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्टेड होता है, बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इंसर्ट करता है और बैक्टीरियोफेज उस डीएनए पे कंट्रोल करके अपनी नई प्रोजेनी बना देता है।
नई प्रोजेनी बना देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रांसडक्शन की प्रोसेस है। अब कई बार क्या होता है, होस्ट सेल जो बैक्टीरियल सेल है उसके डीएनए का कुछ पार्ट बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ जुड़ा रह जाता है। आप यहाँ पर इसमें यहाँ देख सकते हैं कि इस सेल में डीएनए का कुछ पार्ट जुड़ा हुआ है। अब ये जो डीएनए बैक्टीरियोफेज है यह नई कोशिका को इन्फेक्ट करता है, नई कोशिका को इन्फेक्ट करता है, और कई बार क्या होता है इन्फेक्शन के तुरंत बाद बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स नहीं बनते हैं, डिले हो जाते हैं, लाइटिक साइकिल नहीं होती है, लाइसोजेनी हो जाती है। अब क्या होता है, इसका डीएनए इस कोशिका से जुड़ गया। कौन सा डीएनए, जो पहले वाली कोशिका थी, और वो बैक्टीरियोफेज के माध्यम से वो डीएनए का फ्रेगमेंट नई डीएनए बैक्टीरियल सेल के साथ आके जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या चेंज आया कि इस बैक्टीरियल सेल के अंदर वो करैक्टर नहीं थे, अब वो करैक्टर शो कर रहा है। कौन से करैक्टर, इस पहले वाली कोशिका के करैक्टर यह शो कर रहा है, पहले वाले करैक्टर। तो इसके व्याप पे ये प्रूव होता है कि हमारा जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। तो ये तो बात हुई डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। क्या आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है, ये भी हम प्रूव करेंगे। यस, आरएनए आल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कब, जब डीएनए अनुपस्थित होता है। इन द अब्सेंस ऑफ डीएनए आरएनए आल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये प्रूव किया था फ्रैंकल कॉन्ड्रेट ने 1957 में। आप लोग टीएमवी से फैमिलियर है, टोबेको मोजेक वायरस, ये एक रोड सेप्ट वायरस होता है, रोड सेप्ट, जो कि चारों ओर इसके अंदर में प्रोटीन के कैप्सोमियर का आवरण पाया जाता है, कैप्सिड पाया जाता है, और बीच में स्पाइरली कोइल्ड आरएनए पाया जाता है, स्पाइरली कोइल्ड आरएनए पाया जाता है। तो आप यहाँ पे इस की स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये जो टीएमवीए स्ट्रक्चर का होता है, ये तंबाकू की पत्तियों में संक्रमण करता है, तंबाकू की पत्तियों में संक्रमण करता है। तो फ्रैंकल कॉन्ड्रेट ने क्या किया कि टीएमवी को लिया और तंबाकू की पत्तियों पे डाला, तो इन्फेक्शन शो हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, इसके दोनों पार्ट यानी प्रोटीन और आरएनए को पृथक कर लिया, सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद इन्होंने केवल प्रोटीन पार्ट को जब पत्तियों पे डाला तो कोई इन्फेक्शन शो नहीं हुआ, लेकिन जब आरएनए वाले पार्ट को और पत्तियों पे डाला तो इन्फेक्शन शो हुआ। और फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट करके वापस जब इन्फेक्शन करवाया तो पत्तियों पे इन्फेक्शन शो होता है, यानी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आरएनए। रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरएनए, प्रोटीन नहीं है। तो आरएनए आल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, यहां पर ही दो एक्सपेरिमेंट किए। इस टीएमवी के दो स्ट्रेन पाए जाते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए एक विशेष प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करता है और टाइप बी दूसरे प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करता है। इन्होंने टाइप ए का आरएनए लिया और टाइप बी का प्रोटीन लिया और उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। टाइप ए का आरएनए और इसकी प्रोटीन ली और यहां पे इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। तो अब रिकंस्ट्रक्ट करके और वापस तंबाकू की पत्ती पे संक्रमण करवाया, तंबाकू की पत्ती पे संक्रमण करवाया, तो लक्षण किसके जैसे थे, टाइप ए के जैसे, यानी जिसका हमने आरएनए लिया था उसके जैसे लक्षण थे। टाइप बी के जैसे, जिसकी हमने प्रोटीन ली, उसके लक्षण शो नहीं हुए। और उसके बाद इन पत्तियों में को जब एनालिसिस किया गया तो इसके अंदर केवल टाइप ए प्रकार का वायरस ही पाया गया, टाइप बी प्रकार का वायरस नहीं पाया गया। तो इससे ये शो होता है कि हमारा आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, बशर्ते डीएनए अनुपस्थित हो। डीएनए की उपस्थिति में ये कभी भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य नहीं करता है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा जो आज का टॉपिक था कि
कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल और आरएनए आल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसमें आपको मेरे ख्याल में अब क्लियर हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर जेबी खान, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू।